सीना पर आए हैं, वो है सीना, वो पहाड़ है जहाँ पर खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा को पहली बार पहाड़ पर बुलाया था और यहाँ पर उनको अपने 10 अहकाम दिए। यानी पहली मरतबा तारीख में इंसान को खुदा ने अपनी शरीयत दी। ये वो मकाम है, ये वो पाक जगह है, पाक मकाम है जहाँ पर खुदा खुद उतरा और मूसा से हम कलाम। उस वक़्त इसराइलियों का सारा लश्कर जो था वो इस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा मैदान है वहाँ पर था, उस वादी में था, और खुद खुदा ने मूसा को ऊपर पहाड़ पर बुलाया और यहाँ पर खुदा उसके साथ हम कलाम हुआ और खुद अपने हाथ से पत्थर को तराश कर वो 10 कमांडमेंट्स, 10 अहकाम दिए, और वो अहकाम आज भी हमारे लिए मशलेरा है। इस जगह पर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्लीसिया ने एक छोटा सा चर्च भी बनाया है और उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों ने एक छोटी सी मॉस्क मस्जिद भी बनाई है। ये एग्जैक्टली वही जगह है यहाँ पर खुदा मूसा से मुखातब होता था। आप देख सकते हैं कि हमने रात को 1:30 बजे के करीब इस पर चढ़ना शुरू किया था। बड़ा मुश्किल रास्ता है, पीछे चढ़ाई है, मुकम्मल मुसलसल कच्चा है और चढ़ाई है, पर उसके बाद 750 स्टेप्स है, 750 सीढ़ियाँ हैं जो बड़ी अन ईवन है, वो सीधी वीधी सीढ़ियाँ नहीं है, तो उनको हम लोग चढ़कर ऊपर आए हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि मूसा को, हज़रत मूसा को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी यहाँ पर आने के लिए। और हो सकता है खुदा की तरफ से ये छोटा सा टेस्ट हो कि मूसा पहाड़ पर आए और खुदा उससे बात करे। अगर शायद वो आम इंसान होता तो इस पहाड़ पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है, तो वो शायद आधे रास्ते से पीछे मुड़ जाता, वापस चले जाता, लेकिन मूसा का इरादा पक्का था, उसको पूरा यकीन था कि मुझे खुदा ने बुलाया है तो मैंने ऊपर पहाड़ पर जाना है, और खुदा के साथ वो 40 दिन यहाँ पर रहा, 40 दिन और 40 रात वो इस पहाड़ पर रहा। और जब वो नीचे उतरा था तो हारून ने और इसराइलियों ने सोचा कि शायद मूसा पहाड़ पर चला गया, कभी वापस नहीं आएगा, तो नीचे उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा, अपने लिए एक और देवता बछड़ा तैयार कर लिया था, जिस पर खुदा उनसे नाराज़ भी हुआ, और मूसा ने वो लोहे उनके सामने जो खुद खुदा ने लिख के दी थी वहाँ पर तोड़ दिया, और फिर दोबारा मूसा ऊपर पहाड़ पर आता रहा और दोबारा से उसने वो लोहे लिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमने अपनी आंखों से उस पाक और मुकद्दस तीन जगह को देखा है, तो मैं अपने पाकिस्तानी बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों से भी कहता हूं कि ज़िंदगी में एक मरतबा ये जगह ज़रूर है। इस जगह को देखने से आपके ईमान में ताजगी आएगी, बल्कि बहुत मजबूत होगा, आपकी सोच होगी कि आपने आकर यहाँ पर क्या पाया है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। मैं इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जब आ जाएंगे तो आप ज़रूर खुदा को यहाँ पर महसूस करेंगे, इन हवाओं में, इन फिज़ाओं में, इन पहाड़ों में, इन वादियों में आपको ऐसे लगेगा कि खुदा आपके दिल के साथ बात कर रहा है, और एग्जैक्टली जब आप यहाँ पर आएंगे तो यही महसूस करेंगे। तो आप एक बार तो अपनी ज़िंदगी में आएँ, इस मौके को कभी ना गवाएँ, अगर आप जवान हैं तो चढ़ कर आएँ और इस चीज़ को महसूस करें कि कैसे मूसा भी यहाँ पर आते रहे और कैसे आप यहाँ पर